నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయం ఉదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతిత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 9 అధ్యాయ 4 శ్లోక, కొంచెం శ్లోక హే సరసత్ మత్సేవయా మత్సేవయా ప్రతీతం తే సాలోక్యాది చతుష్టయం నేచ్ఛంతి సేవయా పూర్ణః కుతోన్యత్ కాల విప్లుతం మత్సేవయా ప్రతీతం తే సాలోక్యాది చతుష్టయం నేచ్ఛంతి సేవయా పూర్ణః కుతోన్యత్ కాల విప్లుతం. బోలియే మత్సేవయా ప్రతీతం తే సాలోక్యాది చతుష్టయం నేచ్ఛంతి సేవయా పుణ్యః కుతోన్యత్ కాల విప్లుతం. మత్సేవయా ప్రతీతం తే సాలోక్యాది చతుష్టయం నేచ్ఛంతి సేవయా పూర్ణః కుతోన్యత్ కాల విప్లుతం. మత్సేవయా ప్రతీతం తే సాలోక్యాది చతుష్టయం నేచ్ఛంతి సేవయా పూర్ణః కుతోన్యత్ కాల విప్లుతం. టైమ్ కాల్ కే అభావ్ క్యూంకి ఏ జల్దీ సమాప్త్ కర్నా హై తో పదపాతః మత్సేవయా. మేరీ ప్రేమ భక్తి మే పూర్ణ రూపేణ సంలగ్న రేనే సే ప్రతీతం స్వతః ప్రాప్త అనే స్వతః ప్రాప్త తే ఏసే భక్త్ పూర్ణతయా తుష్ట హోతే హే సాలోక్య ఆది చతుష్టయం. చార్ ప్రకార్ కే మోక్ష్ సాలోక్య సారూప్య సామీప్య తథా సాష్టి సాయుజ్య కథో సాయుజ్య కా తో కహేన కే మోక్ష.
नहीं कहने की कहना ही क्या, सालोक्य का क्षमा करे सायुज्य का तो कहना ही क्या, न नहीं इच्छन्ति इच्छा करते हैं सेवया केवल भक्ति से पूर्णाहा पूर्ण कुतः, कोई प्रश्न ही नहीं है, अच्छा कोई प्रश्न ही नहीं है, अन्यत अन्य वस्तुएं काल विप्लुतम कालक्रम से विनष्ट होने वाली। इस श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अंग्रेजी अनुवाद और उसका संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। मेरे जो भक्त मेरे प्रेम भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं वे मोक्ष के चार सिद्धांतों सालोक्य सारूप्य सामीप्य तथा सार्ष्टि में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर स्वर्गलोक जाने का नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयस समय प्रतीक्षा। उन्हें अनुभव हुआ कि यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में भक्त पहले से मुक्त रहता है, भक्त पहले से मुक्त रहता है, उससे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। दुर्वासा और अम्बरीश का आख्यान, दुर्वासा और अम्बरीश का आख्यान चलते हैं। भगवान स्वयं अम्बरीश महाराज का गुणगान कर रहे हैं। अम्बरीश श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। भक्त का महिमा क्या है, भक्ति का महिमा बहुत महिमा है। भक्त श्रीमद् भागवत तो भक्तों का कहानी, भगवान का कहानी और भक्तों का कहानियां, बहुत सारे कहानियां एक से एक अगर याद करना है अभी तो सब भक्तों का याद नहीं कर पाएंगे। प्रथम स्कंद में कौन कौन है भक्त तो सुखदेव ही याद आ जाते हैं, उनके पिता व्यास भी भगवान के भक्त है। फिर पंच पांडवों, प्रथम स्कंद में पंच पांडवों का कथा आ गया जो मुख्य तो महाभारत का विषय है। हम भागवत पर प्रवचन करते हैं लेकिन विस्तृत कथा पांडवों का महाभारत में मिलते हैं, महाभारत का अध्ययन करना लायक है। ऐसा नहीं कि हम भागवत का कक्षा रखते हैं तो महाभारत का पढ़ाई नहीं करना, महाभारत का कथा
सीखना चाहिए। कैसे सीखेगा? उसका पाठ करने से। तो एक एक भक्तों का याद और उनका महिमा का याद साथ साथ में आ जाते हैं। अच्छा, भीष्म पितामह बाण शय्य पर लेते हुए भीष्म पितामह प्रथम स्कंद में कहानी है और उन्हीं का प्रशंसा होते हैं। विदुर अनेक अनंत कोटि वैष्णव वृंद हम बोलते हैं, अनंत कोटि वैष्णव वृंद सबका याद, सबका महिमा का याद कैसे खड़े। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया का दो अर्थ है। एक अर्थ है भगवान का सेवा करना है और एक अर्थ है भगवान के भक्तों का सेवा करना है। ऊपर अंग्रेजी में भी ये चलते हैं ना, ये श्लोकों का तो फिर दो चार श्लोक पहले ही अहम भक्त पराधीन आया कि नहीं आया? आया, आके गया। मैं भक्तों के पराधीन हूं। स्वतंत्र अस्वतंत्र या अस्वतंत्र, वास्तव में भक्तों की इच्छा ही मुझको प्रेरणा करते हैं, मुझको ही उत्साहित करते हैं, उत्साहित प्रेरणा। भक्तों का इच्छा के अधीन है भगवान। आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम सब उन्हीं को पूछते हैं, वो हमारे प्रभु हैं। प्रभु शब्द परम पुरुष के संबंध में हम कर रहे हैं। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, वंग भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का विवेक आ जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में नहीं। और हमारे कई कई, मुझे अभी हिंदी में थोड़ा मुक्ति मिल गया, क्योंकि हमारे कोई भक्त लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि स्त्रियों को भी प्रभु शब्द से संबोधन करना है। लेकिन स्त्रियों को अगर प्रभु शब्द का प्रयोग करना है तो प्रभु, क्योंकि स्त्रीलिंग का स्वरूप है प्रभु शब्द, साध्वी, गुरवी, प्रभु। भारत में कोई स्त्रियों को प्रभु शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, हमारा अनुभव है, हमने ये कभी सुना नहीं। हो रहे हैं प्रभु कहना चाहिए। एक भक्त को दूसरे भक्तों को मान देना है, इसलिए प्रभुपाद जी महाराज और उन्हीं के पहले कि हम जब भक्त के समक्ष में आ जाते तो उनको प्रणाम करना है, शिरसी सिर झुकाकर जमीन में रखकर प्रणाम करना। भक्तों की महिमा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः शब्द नमन, हिंदी में नमन बोलते हैं, नमः वंग भाषा में भी नमन शब्द आ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? नमस्कार। हम नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमः करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। तो सबको मान देना चाहिए, अमानी ना मान देना। लेकिन स्त्रियों को स्त्रीलिंग शब्द से पुकारना है, पुलिंग शब्द से नहीं पुकारना, अविधि पूर्वकम, विधि का विरोध है। भगवान परम पुरुष है, भगवान परम पुरुष है, इसलिए उनको परम प्रभु, प्रभु शब्द, नाथ, प्रभु नाथ पति, ये सब शब्द भगवान के संबंध में। अच्छा, भगवान मानते हैं भक्त, भक्त ही मुझसे श्रेष्ठ है,
अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये कैसे? भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी। तो अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्र कौन है? भगवान स्वतंत्र है। और भगवान बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आश्चर्य की बात है, स्वयं भगवान दुर्वासा भगवान के समक्ष में आया, वैकुंठ लोक पहुंच गया। कैसे? दुर्वासा कौन है? शंकर का स्वरूप है, शंकर का अंश अवतार। नहीं तो कौन पहुंच सकते वैकुंठ लोक? इतना आसान नहीं है। अच्छा, भक्त वैकुंठ लोकों का प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं है। यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज व्याख्यान में, भक्त लोकों का वैकुंठ जाने का इच्छा नहीं है। चाहे हम कहाँ भी हो, मुझे आपका भक्ति चाहिए। बंगाली कविता है ना भक्ति विनोद ठाकुर की, त जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। मेरा आशा नहीं कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। अच्छा, हम समझते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जैसे हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णववृंद, तो ये एक ब्रह्मांड है और भगवान की सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म विष्णु के पास गया, कहानी है ना कि मैं ही एक ही ब्रह्म है, तो भगवान ने एक एक ब्रह्म बुलाने लगा, और कोई ब्रह्म का चार मुख है, कोई ब्रह्म का दस, कोई सौ, कोई हजार मुख ब्रह्म। ये आश्चर्यचकित हो गया। हम ईश्वरवादी है, हम समझते हैं ईश्वर है और ईश्वर परम पुरुष है। हम नहीं कहते हैं परम स्त्री है, स्त्री पुरुष शक्ति शक्तिमान, शक्तिमान भगवान और शक्ति उन्हीं का विस्तार। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले बोलते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण से आया, राधा कृष्ण से आया आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान का आनंद के लिए उन्होंने अनंत कोटि जीवों का निर्माण किया। ब्रह्मांड भ्रमित है कोनेर भाग्यवान जीव, ये भी चैतन्य चरितामृत का वाक्य है। सभी जीवात्मा घूमते रहते हैं भौतिक संसार में, एक से एक शरीर में। कल कोई भक्त देह त्याग किया, यहाँ कोई भक्त अपने, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, है कि नहीं? रोज कोई चले जाते हैं और कोई आ जाते हैं। ये मानव समाज, और हम समझते हैं कि ये सब प्राणी जीवित है, जो जहाँ कुछ जंगम जंगम प्राणी जो घूम रहे हैं, और स्थावर भी, ये जड़ प्रकृति नहीं लेकिन वनस्पति वृक्ष सब्जी इत्यादि, ये सब जीवित है, प्राणी है, प्राण है, जीवात्मा है, लेकिन मंद है। 84 लाख योनियों का ये चक्कर काटकर मानव शरीर प्राप्त किया, दुर्लभ है मानव, दुर्लभ मानव जन्म, मानव जन्म दुर्लभ है। अच्छा, उसका सदुपयोग कैसे करे, ये प्रश्न है। मानव शरीर का सदुपयोग कैसे करे? तो आधुनिक काल में लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी
क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, बड़ी बड़ी भवनों का निर्माण हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? लोगों को भगवान की ओर आकर्षण करने के लिए। ये नया पद्धति नहीं है, प्राचीन पद्धति है ना। जगन्नाथ पुरी का मंदिर विशाल है, श्री रंगम द्वारकाधीश, अनेक विशाल मंदिर का निर्माण इस देश में भूतकाल में, उसका लक्ष्य था भगवान का सेवा। हम भी वही कर रहे हैं। बाकी ये सब जो बना रहे हैं भौतिक भोगों के लिए, यही उन्मत्त लोगों का योजनाएं हैं। उन्मत्त, भागवत में लिखा है ना, मत्त उन्मत्त, नहीं मत्त प्रमत्त उन्मत्त, तीन प्रकार के पागलपन है, तीन प्रकार के पागलपन है। कौन है पागल? भौतिकवादी लोग पागल है, क्योंकि यही सत्य जो सब भौतिकवादी भी जानते हैं कि एक दिन यही शरीर का सत्यनाश होने वाले हैं, उसका तैयारी नहीं करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, और दूसरे और हम कहते हैं कि अगला जन्म के लिए तैयार करना, और भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान किया मानवों को, जिस प्रकार से भगवान के भक्ति करके करके भगवान के पास जा सकेगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपायांति थे। खुल गया। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। अगर विशेष बुद्धि प्राप्त नहीं किया मानव जन्म के वजह से, तो फिर भगवान के भक्ति कैसे करे, है कि नहीं? तो भौतिकवादी व्यक्ति और भक्तों के बीच में क्या अंतर है? उनके मानव शरीर है, हमारे मानव शरीर है, क्या अंतर है? भोग बुद्धि, भोग बुद्धि। और ये भोग बुद्धि जो है, ये हर एक प्राणी में निहित है, हर एक प्राणी। सब भोगने का खोज में है, जो जी रहे हैं, जो स्थावर है वो घूम नहीं सकते भोगने के लिए, लेकिन खींचते हैं भूमि से। एक और शब्द है संस्कृत में, बहुत रुचिकर शब्द है, पादपा। आपने सुना है? कितने लोग ये सुना है शब्द पादपा? एक पादपा, दो, पाँव से पी रहे हैं, पाद पा। पाँव से कौन पीते हैं? वृक्ष। अपने मूलों से पानी खींच रहे हैं, वो भी भोग है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप, और उस पानी से उनके विशाल शरीरों का निर्माण, विशाल शरीरों का प्रगति होते हैं। और कोई भोजन नहीं है, और कोई भोजन वृक्षों का, लेकिन कितने बड़े होते हैं। तो भगवान ने ये सब अद्भुत शरीरों को बनाया, लेकिन बुद्धि प्रदान नहीं किया। अनेक पक्षी हम देखते हैं, अनेक पशु, यहाँ वो सियाल घूमते हैं, कभी कभी रात में देखते हैं और हर रोज चिल्ला रहे हैं, यहाँ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है आहार निद्रा भय मैथुनम। मानव का भी यही काम है, लेकिन भगवान के भक्ति मानव देह में, ये नवदा भक्ति जो अम्बरीश महाराज नौ प्रकार के भक्ति में लगे हुए थे, केवल मानव कर सकते हैं।
ये सियाल नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, कितने योनियों में चक्कर काट रहे हैं, आत्मा इधर से उधर से घूमते हैं। और भगवान के भक्ति का अवसर ये मानव देह में प्राप्त किया, दुर्लभ अवसर। इसलिए इस देश में आशीर्वचन क्या है, आयुष्मान भव आयुष्मती भव। क्यों? क्योंकि इस जन्म के बाद मानव देह मिलेगा कि नहीं उसका कोई निश्चित नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम प्राप्त किया सौभाग्यवशात, बड़ी सौभाग्य की बात है मानव देह प्राप्त किया। तो मानव जीवन का सदुपयोग ही है भगवान के भक्ति, भगवान के भक्ति करना। तो इसलिए जय बजे से बड़ा चतुर, चैतन्य चरितामृत में है ना, जो भगवान का भजन करते हैं वो बुद्धिमान है। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। सो अध्याय चार, अध्याय चार सड़सत मत सेवया, मेरा सेवा के द्वारा प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है, जिनका बोध है, जिन्होंने समझ लिया कि भक्ति क्या है, उनको खाली भगवान का सेवा करना, उनका कोई मोक्ष के लिए भी इच्छा नहीं है। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भगवान भगवान भक्तिर हेतु की त्वयि, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, हे ईश्वर जन्म होने दीजिए, मेरा कोई चिंता नहीं है। जन्मनी जन्मनी का अर्थ है बहुवचनम, नहीं बारंबार, जन्म जन्म। संस्कृत भाषा में जब बल देना है तो शब्द का प्रयोग दो बार होते हैं, जन्मनी जन्मनी, बहुत सारे जन्म। गीता में भी है ना, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव अर्जुन, हे अर्जुन हम दोनों बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। थानी थानी जन्मानी, उन सभी जन्मों अहम वेद न त्वम वेद, मैं जानता हूं क्या बीत चुके कैसे। अचिंत्य शक्ति, सर्व सर्वज्ञ शक्ति, त्रिकालज्ञ बोलते हैं भगवान, भूत पूर्व भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम नहीं, न त्वम वेता, आप नहीं जानते हैं। लेकिन इच्छा क्या है, व्हाट इज इट, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश, जगदीश कामये, मुझे बड़े ईश्वर बनने का इच्छा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को ईश्वर बनना है, बहुत लोग बड़ा बनना है कि नहीं। हम लगभग सभी लोग स्वप्न कर रहे हैं, मैं बड़ा बन जाऊंगा एक दिन। मैं प्रभुपाद जी महाराज के साथ बैठा था और उन्होंने दो व्यापारियों को संबोधन कर रहे थे, ये हैदराबाद में, तो कितना 40 41 42 साल पहले की बात है।
तो प्रभुपाद कह रहे थे कि मुझे बिरला से बड़ा बनना चाहता था, लेकिन मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया, भगवान ने मेरे को बिरला से बड़ा बनाया। प्रभुपाद के जीवन काल में विश्व ख्याति हो गया, भारत में भी उनका ख्याति हो गया। हैदराबाद मंदिर के उद्घाटन में, ये भी 42 साल पहले, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आया, और वो भी बड़ी कठिनाई, क्योंकि आपातकालीन, जो जानते हैं इस देश का इतिहास, जिनके बाल सफेद है, तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल घोषणा किया और सभी विरोध पक्षियों का नायकों को जेल में डाला, तो सब लोग डरते थे। हैदराबाद मंदिर का उद्घाटन उसी बीच में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वचन दिया मैं आऊंगा, फिर बाद में मैं नहीं आऊंगा, वो भी मन विचलित हो गया, डर डर गया ना मन, सब डरते थे, सब लोग डरते थे, ऐसे काल था। किसी ने उनको समझा बुझाकर वो आया, और प्रभुपाद का बड़ा प्रशंसा किया कि हम लोग हमारा संस्कृति छोड़ रहे हैं और आप ये विदेशी लोगों को हमारे संस्कृति दे रहे हैं, आप महान हैं। तो प्रभुपाद के जीवन काल में विश्व ख्याति भी हो चुके थे, विश्व ख्याति। लेकिन ये प्रभुपाद बहुत सरल था, ये भी एक बात है, बहुत सरल था। नीचे ऐसे गद्दी में बैठते थे, कभी कुर्सी में नहीं बैठते थे प्रभुपाद, कभी कुर्सी थे, भोजन भी हाथ से करते थे, कभी चम्मच से प्रभुपाद नहीं खाते थे, प्राचीन पद्धति। मत सेवया प्रतीतम थे भक्तजन, मत सेवा मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात् भक्ति ही आहितुकी। तो आहितुकी शब्द, आहितुकी शब्द कहाँ से आते, हेतु अहितु, नो कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है। तो फिर जब ये श्लोक आया, हम भक्त पराधीन, प्रभुपाद उसके व्याख्या में उस एक और श्लोकों का याद किया, गोपी भर्तुहु पद कमलयो हो दास दास अनुदास। उसी तरह एक और मुकुंड माला स्तोत्र में बड़ी रुचिकर श्लोक है, उसका आरंभ में याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षास्तकम भी ऐसे है ना, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है संबोधन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी संबोधन है, ये भगवान को पुकार रहे हैं। जन्मनी जन्मनी ईश्वरे तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, मुझे मेरा स्मरण कैसे करे, मैं आपका सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, 23वें सेवक, 23 शब्द आगे आ जाते हैं, तद्भृत्य भृत्य परिचारक परिचारक, परिचारक शब्द, भृत्य शब्द, सेवक शब्द, दास शब्द, सब पर्याय पदानी, पद पात पदों का पात, और पदों का विवेक होना चाहिए। संस्कृत भाषा का शब्द शब्दकोश
बढ़ाना है, फिर समझ में आ जाएंगे। और क्या समझ में, हम सबको भगवान को पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? आई नंद तनुज किंकरम पतितम, हम पतित है लेकिन गर्व है, मैं ही हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन वास्तव में हम बड़ा नहीं है, हम सब पतित। अगर हम पतित नहीं था तो कैसे आया ये पंच महाभूत का शरीर में? हम बंदी है, हम जेल खाना में है। क्या जेल खाना में है? ये देह, ये आत्मा के लिए जेल खाना है, और उसका चाबी है खोलने के लिए भगवान का भक्ति। लेकिन चाबी किसके हाथ में है? उन्हीं ईश्वर के हाथ में है, इसलिए पुकारते हैं। और ईश्वर बोलते हैं मेरे सेवा में लगे रहते हैं, मत सेवाया प्रतीतम थे। सभी भक्त असली भक्त का, असली भक्त नहीं, उन्नत भक्त। उन्नत भक्त वो है जो केवल भगवान के सेवा करना है। और सकाम भक्त, मैं थोड़ा भक्ति करूंगा और भगवान मेरे को कुछ धन लाभ, लेकिन वो भी अच्छा है। कौन बोलते हैं अच्छा है? भगवान बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? चतुर्विध भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु आर्तार्ती। आर्तार्ती शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के पास आते हैं भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए। सुकृतिनः, सु अच्छा, कृति कुछ अच्छा काम किया, वो भगवान के पास जाते हैं। वो भगवान, कम से कम भगवान के पास जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं। कौन? आर्तः, जो संकट में, कोई ना कोई संकट में फंसे हुए हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु जो खोज रहे हैं जीवन क्या है। अर्थार्थी, हे बालाजी मैं आपको 50,000 दूंगा, आप मुझे 1,00,000 रुपया, हम भागीदार बन जाएंगे। ये कहानी मजाक है। खोई गया भगवान, मैं अगर जीत जाऊंगा जूट खरीदा, क्या बोलते हैं, जुआ जुगाड़, मैं जुआ जुगाड़ में घोड़ दौड़, दौड़ते हैं ना घोड़ा, तो आप मुझे 1,00,000 दीजिए, मैं आपको 50,000 दूंगा। नहीं, फिर 50,000 जीत गया तो उन्होंने बोला, मैंने देखा कि आप अपना भाग ले लिया, उसने प्रार्थना किया 1,00,000 के लिए और खाली 50,000 मिला, तो भगवान को बोला कि आप अपना भाग ले लिया, मैं आपको आधा देने वाला था लेकिन आप ले लिया आधा। जाते हैं भगवान के पास, कुछ पूंजी कुछ डालते हैं और प्रार्थना करते, भगवान मुझे कुछ दीजिए। वो अच्छा है क्योंकि भगवान के सामने आया। कितने मानव भगवान के सामने कभी नहीं आएगा जिंदगी भर, इसलिए भक्तों का सौभाग्य है। लेकिन वो भक्त प्राकृत भक्त, प्राकृत भक्त, भौतिकवादी भक्त, चार तीन प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। तो मत सेवया प्रतीतम थे सालोक्यादि चतुष्टयम, यही इच्छा नहीं रहते है भक्तों का कि मैं यही प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, भौतिक भोग प्राप्त करूंगा। वो उत्तम भक्त है। कनिष्ठ भक्त क्या श्लोक है, याद नहीं आ रहे हैं, कोई मदद? एकादश स्कंद में श्लोक है ना,
नहीं वो तो उत्तम उत्तम नहीं सभक्त प्राकृत स्मृत ईश्वर तद अधीनेशु वो बाद में आ जाते हैं। भौतिकवादी भक्त दूसरे भक्तों को मान नहीं देते हैं। आर्चायाम एव हरये, हरि का पूजा अर्चना, आर्चायाम एव हरये पूजा यह श्रद्धये हते, न च भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। एकादश स्कंध में नव योगेंद्र आख्यान। प्राकृत भक्त कौन है? मंदिर आते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, आर्चायाम एव हरये पूजा यह श्रद्धये हते, श्रद्धा के साथ भगवान का भक्ति करते हैं, भक्त है। न च भक्तेषु न अन्येषु, लेकिन भक्तों को मान नहीं देते हैं। सभक्त प्राकृत स्मृत, भौतिकवादी भक्त भक्तों को मान, वांछा कल्पतरुभ्यश्च उनका ये भावना नहीं है। प्रतीत वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवों को मान नहीं देते हैं, वो प्राकृत भक्त है। यहां उत्तम भक्त का नेचन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत् काल विप्लुतम्। दूसरे नश्वर वस्तुओं में रुचि नहीं है वो प्राकृत भक्त का लक्षण नहीं है। प्राकृत भक्त ये नश्वर पदार्थों में रुचि है, इसलिए आज के श्लोक उत्तम भक्तों का वर्णन है, प्राकृत भक्त का वर्णन नहीं है। और उत्तम भक्त का प्रतीक है अम्बरीश राजा। उनके भौतिक भोगों का इच्छा, भले राजा थे, भौतिक भोगों का इच्छा नहीं था। काल हो गया, प्रश्न के लिए 8:50 समाप्त करना, कितना बच गया? 8:50 हो गया। अभी प्रश्न के लिए फुर्सत नहीं है। एक प्रश्न आगे हो नहीं है? और बोलिए प्रभु। थोड़ा बताया, फुर्सत नहीं है ना, काल नहीं। अभी समाप्त करना है, प्रावचन समाप्त है, प्रश्न का उत्तर, अगर किसी का शंका हो। नहीं है ऐश्वर्यशाली? हाँ, ऐश्वर्य था लेकिन उसके लिए आकर्षण नहीं था। हम इतना प्रगत भक्त नहीं है, हमारा भक्ति में इतना प्रगति नहीं हुई, ये बात है। वो आकर्षण कब दूर हो जाएगा? ये महानता है, महान भक्तों का लक्षण है कि ये भौतिक पदार्थों के लिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं आसानी से। वो आकर्षण, ये भौतिक भोगों का इच्छा हमको अभ्यास है ना, तू कौनते या वैराग्य न चगृह थे, अभ्यास करना है और कोई तरीका नहीं है। बारम्बार विरक्त भावना रखना है और त्याग भावना, लेकिन वापस आकर्षण होते हैं तो फिर त्याग भावना का अभ्यास फिर से करना और कोई तरीका नहीं है। ग्रंथराज शो, एक मिनट, एक 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 और प्रश्न है। हाँ, माता जी का प्रश्न है। हम जानते हैं भगवान स्वतंत्र है,
भक्त कब पराधीन है, भक्त भगवान बोलते हैं, तो प्रश्न क्या है? उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्त का महिमा बहुत है, भक्त भगवान से भी ज्यादा महिमापूर्ण भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का महिमा को बताना चाहते हैं, बस वही है। भक्ति और भक्त का महिमा विशेष है, तो भगवान उस विचार पर बल दे रहे हैं, इसलिए भगवान ऐसे, स्वयं भगवान का कहना है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरि बोल।